जय हिंद दोस्तों। भैया सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ का एडमिट कार्ड आ चुका है। जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है तो भाई उन लोग के लिए बहुत बहुत बधाई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो भाई ये बात सुन लो कि अगर तुम्हारा एडमिट कार्ड आ चुका है तो उसमें एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है। उस एडमिट कार्ड को संभाल कर लेके जाना, उस एडमिट कार्ड के मतलब राइट हैंड कॉर्नर पर दाहिने तरफ पर एक फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो के नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो ये वेरीफाई मतलब कि ये क्लियर नहीं, उन लोगों ने कहा है कि आपको फ़ोटो स्टेट लेके जानी है या फिर अपने और डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जैसे भी लेके जाने हैं संभाल कर लेके जाना। हो सकता है किसी को अपने साथ लेकर जाओ और अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करके जाना, क्योंकि वहाँ पर आपका फिजिक सुबह आपके 6 बजे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका सीधे आपको रनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। रनिंग करने के बाद मेरे कुछ दोस्तों से बात की जो पहले पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सीधे आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप तीन तीन चांस हैं, हम बता चुके हैं पहले। उसके बाद आपको सीधे बायोमेट्रिक के लिए भेज दिया। बायोमेट्रिक के बाद आपको एक जो लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे उनके हाथ पे थप्पा टाइप का लगा देंगे और वो लड़के सेलेक्टेड होके अपने हो सकता है घर आ जाए वापस। इसके आगे मुझे कोई जानकारी जहाँ तक नहीं मिली और बहुत सारे र्यूमर्स फैला रहे हैं लोग कि इतने सारे बच्चे बाहर हो गए। भाई तेरे को कैसे पता चल गया इतने सारे बाहर हो गए? अभी तो शुरुआत हुई है। और जिसके एडमिट कार्ड नहीं आया है बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई, एडमिट कार्ड आ जाएगा। मेरा एडमिट कार्ड 15 दिसंबर को आ चुका था। सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल का मैंने अपना एडमिट कार्ड भरा था, तो इतना इतना कुछ हेड कॉन्स्टेबल का मेरा आ चुका है। मैं अपनी फ़ोटो भी आपको दिखा दूँगा, बस नाम ब्लर कर दूँगा, ठीक है? ज़रूरी भी होता है थोड़ा सा सबको दिखाना। बाकी आप लोग बढ़िया आराम से जाना है और अपना अच्छी तरीके से फिजिकल देना। और रह कुछ लड़कों जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो, समस्या आ रही हो, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देखकर आऊँगा। तो मैं देखूँगा कि भाई जिसने जो भी कमेंट लिखा है मैं उस हिसाब से आप लोग को वीडियो बना के डाल दूँगा। और एक बात और कहनी थी, ठीक है? अपने जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखना। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखी नहीं रखोगे तो आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये इतने सारे पॉइंट्स थे और कुछ थोड़ी सी बात। और मेरे दोस्त एनसीसी वाले कैडेट्स थे, एनसीसी वाले कैडेट्स लोग कह रहे थे भैया कुछ वीडियो बना के डाल दो। तो रुक जाओ, थोड़ा सा समय रुक जाओ, ये पैरामेडिकल स्टाफ का मैं फिजिकल देकर आ जाऊँ, उसके बाद तुम लोग के लिए वीडियो बना के डाल दूँगा। और जितने भी मैं एक काम करूँगा, मैं बोलते जाऊँगा मतलब रीड कर करके और तुम लोग अपने लिखते जाना, मतलब कि वीडियो आगे पीछे कर करके या फिर डाउनलोड कर लेना। यूट्यूब में डाउनलोड ऑप्शन होता है, डाउनलोड कर लेना 100 MB में। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इससे ज़्यादा लंबे नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोर नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट रहना है। इसके बाद और ऑल द बेस्ट फॉर यू, ठीक है? और जो भी तुम्हें तकलीफ हो, जो भी कुछ लिखना हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तुरंत मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि अभी मैं फ्री बैठा रहता हूँ, ठीक है? 1-2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो बनाने में जा के आ रहा है मुझे कौन सा, बहुत सारे कैमरेज वैमरेज लगा के वीडियो बनाता हूँ। लोगों की हेल्प करने में बोलना क्या है, लिखना मतलब कि कौन सी स्क्रिप्ट लिखनी है, जो मतलब कि आता है मैं बोल देता हूँ बाहर में जाके। ओके, जय हिंद, गुड बाय।